छतरपुर जिला के विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के एनवीआर सिनेमा सभागार में महाराज छत्रसाल शोध संस्थान की वार्षिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान समिति के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन एवं ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व अतिथियों के सम्मान के साथ प्रारंभ हुआ। साथ ही सौर्य पीठम तथा छत्रसाल दर्पण का स्मारिका का भी मंच के माध्यम से अतिथियों के द्वारा विमोचन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान समिति के अध्यक्ष भगवत अग्रवाल व सचिव राधे शुक्ला के द्वारा प्रस्तावना व प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। वहीं कमलेश अहिरवार वर्तमान सचिव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर पधारे विजय मनोहर तिवारी ने महाराजा छत्रसाल एवं हमारी विरासत तथा संस्कृत संरक्षण सहित विभिन्न पहलुओं पर बड़े ही सार गर्भित संबोधन प्रस्तुत करते हुए उपस्थित जन समुदाय को हमारे इतिहास से बड़ी ही बारीकी के साथ परिचय कराते हुए संरक्षण एवं संवर्धन का मूल मंत्र प्रदान किया। वहीं जिले के कलेक्टर संदीप जी आर ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में आयकर आयुक्त श्रीकांत नामदेव तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर टीआर थापक कुलपति ने भी संबोधित किया। संपादक भी हैं आप और महाराजा शोध छत्रसाल शोध संस्थान के संरक्षक हैं श्री गोविंद सिंह मुंडेला जी, वो भी पधारे और पत्रिका का विमोचन कराएं। हमारे बीच में पधारे हैं श्री भरत पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथ में नंदिता पाठक जी भी पधारी हैं, संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन।